टीजीटी मैथमेटिक्स इंटरव्यू डे नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए जी एन एच अवरोही क्रम में होते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। और दूसरा है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो ए माइनस बी अपन बी माइनस सी बराबर ए अपन ए होगा, या सॉल्विंग अगर इसको कर लेते हैं तो बी इक्वल टू आ जाता है ए प्लस सी बाई टू। एंड दूसरा पॉइंट है, ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए माइनस का बी अपन बी माइनस सी बराबर ए अपन बी, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा सॉल्व करने पर। चौथा पॉइंट है, ए बी सी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो ए माइनस बी अपन बी माइनस सी बराबर होता है ए अपन सी, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बी इक्वल टू आ जाता है टू ए सी अपन ए प्लस सी। ठीक है, और समीशन वन इक्वल टू होता है वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट एन, यानी समीशन एन, सिग्मा एन, सिग्मा एन जिसको कहते हैं, सिग्मा एन बराबर होता है एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सिग्मा एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एंड सिक्स पॉइंट है, सिग्मा एन स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर, यह होगा एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, एंड सिग्मा एन क्यू इक्वल टू वन का क्यू प्लस टू का क्यू प्लस थ्री का क्यू डॉट 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 प्लस एन का क्यू, यह होगा एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी सिग्मा एन क्यू इक्वल टू सिग्मा एन का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल ऑफ स्क्वायर। एंड लास्ट क्वेश्चन एट नंबर है, सॉरी, एस वन अगर है एन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और यानी सिग्मा एन, एस वन एन प्राकृतिक संख्या का योगफल है, एस टू है एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और एस थ्री है एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो इनमें रिलेशन एस वन एस टू एस थ्री में जो संबंध होता है वो होगा नाइन एस टू स्क्वायर इक्वल टू एस थ्री वन प्लस एट एस वन। ये क्वेश्चन टी जी टी रिटर्न में भी आ चुका है, पी जी टी में भी आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला ही होता है। यहाँ पे वैल्यू अगर इनके ड्रा कर दी जाए तो निकल आता है, तो यहाँ पे कभी कभी डायरेक्टली रिलेशन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुणनखंड प्रमेय किसको कहते हैं, यानी फैक्टर थ्योरम्स क्या होती है। अब फैक्टर थ्योरम्स आप जानते तो हैं कि डिवाइडिंग करते हैं और क्या होता है, शेषफल निकाला जाता है, भागफल निकाला जाता है, ये तो मालूम ही होता है। बट अगर पूछ लिया जाए कि गुणनफल प्रमेय फैक्टर थ्योरम होती क्या, उसको डिफाइन करो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, डिफाइन कैसे किया जाए। तो क्यों ना हम पहले से ही उसकी लैंग्वेज अपने माइंड में रख के जाएँ, ताकि एग्जामिनर को मुंह तो जवाब दिया जा सके क्या होती है गुणनफल, गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम। यदि कोई समीकरण है एफ एक्स बराबर जीरो, यानी कोई समीकरण है जैसे कि द्विघात है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो उस वाले फॉर्म में है, यानी फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कोई समीकरण को डिनोट कर रहा है जिसका एक मूल अल्फा है, तो बहुपद एफ एक्स एक्स माइनस अल्फा से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि जो एफ एक्स का समीकरण होगा वो एक्स माइनस अल्फा से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, अर्थात शेषफल उसका शून्य होगा। अगर किसी समीकरण का कोई मूल, ये भी कह सकते हैं गुणनखंड प्रमेय में, अगर कोई समीकरण है उसका कोई मूल है, तो मूल समीकरण को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, या मूल समीकरण को सेटिस्फाई करता है। समीकरण में एक्स की जगह अगर मूलों के मान रख दिया जाए, यानी कि जो मान होता है, तो समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर, एक ये फॉर्मूला बन जाता है, जब भाग देते हैं भाजक भाज्य, जिससे भाग दी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भाजक, जिससे भाग दी जाती है भाज्य, जिसको भाग दी जाती है, और भागफल जो भाग देने में प्राप्त होता है, शेषफल जो मालूम ही है नीचे जो शेष प्राप्त होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो यहाँ भी जब कभी कभी डाल देते हैं कि आपने भाग दिया है किसी भिन्न को, तो मान लिया आपको 5/3 है, इसको बताएंगे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भाग शेष वगैरह क्या है, तो यह कंडीशन से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो भाजक जो भाग देता है, भाज्य जिसको भाग दी जाती है, भागफल ना जो भाग देने पर प्राप्त होता है, और शेषफल जो शेष बच जाता है। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन्स होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 11 है, गुणनखंड प्रमेय का विलोम। गुणनखंड प्रमेय, उसका विलोम क्या होगा, यदि बहुपदी है, बहुपदी एफ ओफ एक्स एक्स माइनस अल्फा से पूर्णतः विभाजित है, तो अल्फा समीकरण यानी एफ एक्स बराबर जीरो का एक मूल है। गुणनखंड प्रमेय का विलोम में, यदि बहुपदी एफ एक्स एक्स माइनस अल्फा से पूर्ण से विभाजित है, तो अल्फा समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का एक मूल होगा।